बाद पंजाब की सूबे पंजाब की तहसील तौसा शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाली 14 साल सुगरा की जिंदगियों के अंदर आप खुशियां लौट आई हैं। इंतहा पेचीदा और तवील तरीन ऑपरेशन था पाकिस्तान की तारीख का। सर्जरी की दुनिया के अंदर अगर देखा जाएगा, मेरे पस मंज़र के अंदर इस वक्त सुगरा भी मौजूद हैं। सुगरा को आप देख सकते हैं कि ये उस टीम के साथ मौजूद है, उन सर्जन के साथ जो कि इस टीम का हिस्सा थे। मजमूई तौर पर 10 घंटे के इस तवील ऑपरेशन के दौरान अस्पताल की टीम ने जिस तंदेही का मुजाहरा किया, हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं उसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जहाँ ये कारनामा अंजाम दिया गया था। हम बराह रास्त बात करते हैं डॉक्टर से, आप साहब से, कि वो किस तरह इस पूरी सूरत को देखते हैं। डॉक्टर फजलुर्रहमान साहब, आप ये बताइए कि पाकिस्तान की तारीख के इस तवील तरीन ऑपरेशन को आपने किस तरह सर अंजाम दिया। इंतहाई पेचीदा अमल होता है कि रगों को निकालना, नसों को निकालना, दो उंगलियों को निकालना, फिर उनको उसी तरह एडजस्ट करना। ये जो ऑपरेशन था, ये लड़की जो सुगरा हमारे पास आई थी, इसको 4 महीने पहले चारे की मशीन में इसकी उंगलियां आई थी और सिवाय इसके अंगूठे के इसकी 4 उंगलियां ज़ाया हो गई थी। तो इसके सीधे हाथ में सिर्फ एक अंगूठा रह गया था और कोई उंगलियां नहीं थी। मैंने और डॉक्टर मज़हर निज़ाम ने, हमने दोनों मिलकर ऑपरेशन किया। मैं लीड सर्जन था, डॉक्टर मज़हर ने मेरी मदद की इसमें, और मैंने सीधे पाँव की दूसरी और तीसरी उंगली निकाली। सुबह 9:30 बजे काम शुरू किया और उसके साथ खून की नालियाँ निकालीं, आर्टरी और वेन, और 4 पट्ठे निकाले जिन्हें टेंडन्स कहते हैं, और इसके अलावा 3 नसें निकालीं जो कि इसको हसास देंगी इसके उन उंगलियों को। और उसके बाद इनको उठाने के बाद जो है तकरीबन इसमें मुझे कोई 6 घंटे लगे। उसको हम ऊपर आए, ऊपर का काम जो है फिर डॉक्टर मज़हर ने किया। उन्होंने हाथ खोला और हाथ खोल के जिन जगह इनको जोड़ना था वो जगह निकाली, जिसके अंदर हाथ के अंदर इस तरफ की सतह की 3 नसें मौजूद थी, 2 पट्ठे दोनों उंगलियों के, पीछे के 2 पट्ठे, और यहाँ पे इस जगह पे खून की नाली। अब इनकी कारकर्दगी क्या रहेगी नॉर्मल जिंदगी के अंदर, अब जो है एकदम 100% तो हाथ नहीं इसका चलेगा, लेकिन कम से कम पहले से बेहतर है, कम से कम अपना 80-90% काम कर ले, क्योंकि इसको पकड़ने की सलाहियत आ जाएगी। सीधे हाथ में बहुत ज़रूरी होता है बटन लगाना, कंघी पकड़ना, खाना खाना, ये उसके जी वापस। अब मजमूई तौर पे 80-90% काम जो है ये अब सुगरा जो है वो बासानी अंजाम दे सकेंगे। सुगरा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि अब जो उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आई, जो खुशी आई है, वो उसको किस तरह देखती हैं। सुगरा, आप ये बताइए कि अब किस तरह आप महसूस करती हैं इस उंगलियों के साथ अपनी इस ज़िंदगी को? जी सही करते हैं, बहुत खुशी होगी। किस तरह जब आप यहाँ पे आई थी तो क्या सूरत हाल पेश थी आपको, क्या आप मायूस थी, ये अब डॉक्टर साहब ने किस तरह आपकी हेल्प की? 2 उंगली के निकाल के मैंने बोल दिया। देखें सुगरा इस वक्त खुशी के मारे जो है अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रही है, उनसे तहम उनकी खुशी जो है उनकी आंखों से आया है और इंतहाई पुरमसरत है वो यहाँ पर। हम मजीद बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मज़हर निज़ाम के, जिन्होंने भी इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आपका इस पूरा प्रोसेस के अंदर कितना पार्टिसिपेशन रही? देखिए मेन काम तो डॉक्टर फजल ने किया था कि उन्होंने अंगूठों की जो नसें हैं उसको निकाला था, लेकिन उसको ऊपर लगाना भी था और जिन जगहों पे लगाना था वो जगहें आइडेंटिफाई करनी, जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसको आइडेंटिफाई किया, और फिर हाथ में जो दूसरे पट्टे हैं जिसको टेंडन्स कहते हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। वो आइडेंटिफाई करने के बाद फिर वो चीज़ें ऊपर लाई, जो इनकी 2 उंगलियाँ जो पैर से निकाली थी वो उंगलियों को ऊपर लाए हम, और ऊपर लाने के बाद फिर उसको मज़ीद वहाँ पर किया गया। जी ये सूरत हाल देखिए आपने अस्पताल के अंदर, जो कि जहाँ पर सर्जरी का इंतहाई अहम कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया गया, 6 हफ्तों बाद जो है वो सुगरा के जो वायर हैं वहाँ से निकाल दिए जाएंगे, जिसके बाद तकरीबन 80-90% ये नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगी। जी जी ये जो अस्पताल जिस अस्पताल के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ पर चैरिटी की बुनियाद के ऊपर भी पाकिस्तान भर से आने वाले मुस्तहिक मरीजों की जो है वो इमदाद की जाती है। इस ऑपरेशन का जो है एक बड़ा हिस्सा के जिसे मजमू तौर पर तकरीबन पूरा हिस्सा कहा जा सकता है इसी अस्पताल की इंतज़ामिया ने बर्दाश्त किया, जबकि इसके साथ साथ जो जहाँ डॉक्टरों की टीम थी, हम यहाँ ये भी बता दें कि डॉक्टर फजलुर्रहमान जो है वो अमेरिका से तालीम हासिल करने के बाद वापस आ गए थे। उनका कहना यह था कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों के ऐसे लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, चैरिटी का काम भी साथ साथ करते हैं। तो उनका कहना यह भी है कि इस प्रोग्राम के बाद अगर मुल्क के दीगर हिस्सों से इस नौयत के लोग हैं तो वो इस अस्पताल के अंदर रुजू कर सकते हैं। जी